और एक बात बताऊं, शिष्य वही श्रेष्ठ है जो अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करे। बोलो राधे राधे। सदगुरु की बात पर, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, बड़ी प्यारी बात है। सदगुरु आपको कोई आदेश करते हैं, कोई आज्ञा देते हैं, आंख बंद करके उस आज्ञा का पालन करो, विश्वास पूर्वक पालन करो, फल की प्राप्ति होगी। बोलो राधे राधे। वैद्य, जैसे आप बीमार हैं, वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने आपको दवा दी और कहा भैया इस चीज का परहेज करना और ऐसे ऐसे समय पे दवा खाना, तो उनकी बात को आंख बंद करके भरोसा कर लो, तब तुम्हारी बीमारी ठीक होगी। अच्छा, कई बार हम लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि हम सुनेंगे सबकी पर काम अपनी बुद्धि से ही करेंगे। सुनते हम सबकी हैं पर काम अपनी बुद्धि से ही करेंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम अपनी बुद्धि लगाते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। एक बार एक व्यक्ति बुजुर्ग, एक व्यक्ति बीमार, अभी बीमार व्यक्ति जो था ना, सो वैद्य जी के पास गया, क्योंकि आजकल डॉक्टर होते हैं, पहले वैद्य हुआ करते थे, आजकल तो ये एलोपैथिक सारा काम हो गया, पर पहले आयुर्वेदिक था। वैद्य जी के पास मैं गया, वैद्य जी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वैद्य जी ने नब्ज देखी, और पहले देखो कोई मशीन नहीं चलती थी, है ना, पहले तो बस नब्ज देख के ही बीमारी का पता लग जाता था कि आपको क्या बीमारी है। तो नब्ज देखी, वैद्य जी बोले अरे भैया तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चल ले ये दवा ले। तो वैद्य जी ने दो चार पुड़िया बनाई, चूरन और बना करके, और पकड़ाया, लो बेटा इसको ले जाओ। अब दवा लेकर के निकला, जैसे ही बाहर तो याद आया कि मैंने वैद्य जी को ये तो पूछा ही नहीं कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। ध्यान से सुनना, बीमार है, परेशान है, फिर भी खाने की पड़ी है। वैद्य जी के पास मैं आया, वैद्य जी ये बताओ कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। वैद्य जी बोले भैया कुछ भी हल्का खाना, तबीयत ठीक रहेगी तुम्हारी। अच्छा वैद्य जी एक बात बताओ, क्या मैं लौकी खा सकता हूं, घिया खा सकता हूं? हाँ खा सकते हो। अच्छा फिर गया बाहर, फिर लौट के आया, क्या तोरी खा सकता हूं? खा सकते हो। फिर बाहर गया, क्या मूंग की दाल खा सकता हूं? वैद्य जी को गुस्सा आ गया। वैद्य जी बोले भैया तू कुछ भी खा पर मेरी खोपड़ी ना खा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो वैद्य जी बताओ ना फिर क्या खाऊं। वैद्य जी ने कहा मैंने कह दिया ना, हल्का खाना, हल्का बस, जाओ। अब वो व्यक्ति चला घर से बाहर, अपने वैद्य जी के यहां से चला। अब ध्यान से सुनना, रास्ते में चला आ रहा था, मन में सोचा कि वैद्य जी बोले हल्का खाना, अब इसने अपनी बुद्धि लगाई, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, घर में आया, घर में आके सोच रहा है कि हल्का क्या होता है, और अपनी बुद्धि लगाई तो क्या विचार आया कि सबसे हल्की चीज क्या है दुनिया में, बोले पानी। ध्यान से सुनना, सबसे हल्का क्या है? पानी। कैसे हल्का है? बोले जमीन में भी तैरता है, तैरने वाली चीज ही तो हल्की होती है, जमीन में भी जो तैर जाए, पानी सबसे हल्का। फिर दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई कि पानी से भी तो हल्की कोई चीज होती होगी। हाँ फिर याद आया, पानी से हल्का होता है तेल, जो पानी में भी तैर जाता है। बोलो राधे राधे। पानी से हल्का क्या? तेल। फिर विचार आया, तेल से भी हल्की कोई चीज तो होती होगी। दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, एकदम ध्यान आया, तेल से हल्की होती पूरी। हाँ तेल में भी तैर जाती है, तो पूरी खाना ठीक रहेगा। अब आप लोग विचार करो, अगर ये पूरी खाएगा तो जिएगा कि मरेगा? ऐसी गलती कई बार हम लोग कर बैठते हैं। गलती क्यों कर बैठते? क्योंकि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। लेकिन लिखा है सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु की बात पर और वैद्य जी की बात पर विश्वास पूर्वक ही हम उस बात को ग्रहण करें।